चलो अभी अच्छे से एक्टिंग करनी है सबको। चलो कैमरा लुक कम है मैं पे रोशनी जी आपके सामने साइड दोनों 1600 इधर देखिए मैडम मिल गई हो अरे ये देख रहे तो आज की तारा की बर्थडे सेलिब्रेशन की आपकी सूत्रधार रहूंगी। तो आप में से किसी के जहन में आ रहा है तारा कौन है? आपको पता है? एनीवन? आपको जब इनफैक्ट बच्चे एक या दो दिन के होते हैं हम तभी से ये बोलने लग जाते हैं, अरे नहीं नहीं ये देखो ये तो अपनी मम्मी की तरह दिख रही है, अरे नहीं नहीं ये देखो अपनी डैडी की कार्बन कॉपी है। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी क्वालिटीज भी उनमें आए, हमारी जो सारी ड्रीम्स जो सब अधूरी रह गई हैं वो पूरा करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, मेरे खुद का, इट इज माई एग्जाम्पल। मेरी मम्मी पैदा हुई हैं जालना के एक बहुत ही छोटे से गांव में, पर छोटे से गांव से होने के बावजूद जहां आपको करीबन 4 से 5 किलोमीटर जाना होता सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, उन्हें रंगमंच बहुत पसंद था, उन्हें डांस करना, उन्हें नाटक में अपने आप को लीड रोल में देखना बहुत पसंद था। थोड़ी बड़ी हुई कॉलेज जब गई तब ये सब औरंगाबाद में पूरा हुआ, थोड़ी सी और बड़ी हुई शादी हो गई, शादी के कुछ सालों बाद मैं पैदा हुई एंड जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मम्मा एक्चुअली मेड श्योर कि मैंने हर स्कूल के नाटक में हर डांस परफॉर्मेंस में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आज हम आपको ऐसे ही दो माओं से मिलाने वाले हैं, टू वेरी डिफरेंट मदर्स बिलोंगिंग टू वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड्स, पर उन दोनों में एक चीज कॉमन है वो ये है कि उन्हें अपनी बेटियों में दूर दूर तक खुद की परछाई नहीं दिखाई देती। लेडीज एंड जेंटलमैन तो चलिए मिलते हैं तारा से, तारा की मम्मी से, तारा के बर्थडे सेलिब्रेशन में। वी ऑल सेट एंड रेडी,
शुरू करें, लेट्स गो। तारा अपना ये बैलून उनको दे दो। नहीं दूंगी, आज बर्थडे तो मेरा है, उसका नहीं। मुझे शेयरिंग करना पसंद नहीं, इसके लिए सारे बैलून्स मेरे हैं। मम्मा ने आपको क्या सिखाया है? शेयरिंग इज केयरिंग। और वैसे भी आप सारे बैलून्स आपके ही तो हैं, तो एक बैलून से कुछ नहीं होगा। लाओ। थैंक यू आंटी। अगर मेरी चीज मेरी नहीं रही तो किसी को नहीं मिलेगी। तारा सात साल बाद मुझे एक खुशी मिली है। तारा मेरी बेटी, जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। उसने जो मांगा उससे कई ज्यादा ला कर दिया। फिर क्यों है तारा ऐसी? कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई? अनजान है वो मां कि बेटी किसी और के कोख से आई है। सिफात, देखा तारा कैसी है? गुब्बारा अपने पास नहीं तो दूजे के पास भी ना रहने दिया। ऐसी होनी चाहिए छोरी, छुरी जैसी तेज और करारी, थारे जैसी ना नाजुक सी, छुई मुई सी है। तेरा तो दिल भी बड़ा नाजुक है। अब ध्यान से सुन, यो हार है ना, यो चुराना है। ये लुगाई जैसी उधर देखेगी ना, चुरा लेना। हाँ वहाँ देखेगी, चुरा चुरा चुरा। लेकिन दूसरों की चीजें लेना बुरी बात है, और चोरी करना बुरी बात हो गई। कह रही चोरी करना बुरी बात है। यो छोरी, मैं पूरब तो ये पश्चिम, मैं उत्तर तो ये दक्षिण, मैं यो धाकड़ जैसी और यो मोम दिल की, ऐसा कैसे हो सके है? मैंने तो आज तक यो समझ नहीं आई बात कि मैंने जड़ा है इसे। अनजान है ये माँ कि बेटी किसी और के कोख से आई है। जैसे आपने अभी अभी देखा कि दोनों मोम, चाहे वो अमृता हो चाहे वो गौरी, समझ ही नहीं पा रही है कि क्यों उन दोनों की बेटियां उनसे इतनी अलग हैं। पर मुझे लगता है इसका जवाब हम सबको मिलेगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट जरूर करना होगा 22 अगस्त तक, जहां संजोग आ रहा है रात 10 बजे हर मंडे टू फ्राइडे ZTV पर। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां हमारे साथ इतनी प्यारी दो एक्ट्रेसेस हैं, अब ये शो इज बेस्ड आउट ऑफ राजस्थान, जोधपुर, और हमारे साथ राजस्थानी डांसर्स हैं। So if you allow me, can I please call the dancers and can we please do a step or two together? Yeah? Shall we? Aajaiye, aajaiye. Aaye, mere chhangda na nikal jaye. Oh,
माय लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे डांसर्स के लिए और हमारी प्यारी सी एक्ट्रेसेस के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो वेरी मच. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक योर सीट, पर जस्ट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स आई एम गोना कॉल यू बैक अगेन. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. गिव मी हाई फाइव. ये आ जाइए. नाम लो आप सबसे अगर थोड़ी तालियां मिल जाती. Ladies and gentlemen, first and foremost, I request Shefali Sharma as Amrita to please join me on stage. Ek baar zordar taaliyan ho jaye. We'd also request Kamya Punjabi ma'am as Gauri to please join me on stage. We'd also request Mr. Rajneesh Duggal as Rajiv, if we can have you forward. Perfect. So, shuruaat karte hain. शुरुआत करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं. मैंने सोचा मैं शुरुआत करती हूँ. वीड लव इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर्स टू द मीडिया. आपका कैरेक्टर क्या डिफाइन करता है, वो कैरेक्टर की क्या स्टोरी आने वाली है. आई एम वेरी श्योर वी हैव एक्सेलेंट एक्टर्स हियर ऑन स्टेज. दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम संजोग. सो स्टार्टिंग विद यू, वी स्टार्ट विद द लेडीज. सो एनी व्हिच वे आप लोग डिसाइड करो कि है ना. नहीं नहीं, गौरी या अमृता, कौन पहले? आप आप आप. आई थिंक अमृता, यू प्ले. अमृता इज प्लेइंग माय वाइफ. शेफाली इज प्लेइंग माय वाइफ. मैं राजीव प्ले कर रहा हूँ. सो मैं चाहूँगा कि अमृता पहले कुछ बोले अपने बारे में. हाय एवरीवन, आई एम प्लेइंग अमृता कोठारी. तो अमृता इज वेरी स्वीट, बहुत कल्चर से जुड़ी हुई है और बहुत प्यार करने वाली एक लेडी है जो दिल से आर्टिस्ट है और प्रोफेशनल से डिज़ाइनर है. तो अमृता जो है वो पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलने वाली औरत है और एक बच्चे के लिए जो वेट कर रही है. तो आई थिंक सो अब तो वो भी कंप्लीट हो गया है, तो उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और होपफुली आपको एक अच्छी पूरी कंप्लीट फैमिली देखने को मिलेगी. मैं बोलूँ आप? आप ही बोलिए. मुझे आप पहले आप में मतलब हाँ टाइम भी निकल जाएगा. यस. सो नमस्ते, मेरा नाम है काम्या पंजाबी और मैं गौरी का किरदार निभा रही हूँ इस नए शो में जिसका नाम है संजोग. गौरी एक बिंदास धाकड़ और सपने देखने वाली औरत है जिसे अपने सपने पूरे करने की जिद है, जिसे अपने सपने पूरा करने का एक पैशन है. सो गौरी का एक छोटा सा परिवार है, पति है, सास है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट है, घर वालों से बहुत प्यार करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार वो अपने सपनों से करती है. बाय द वे, पति कहाँ है आपका? पति नहीं आया क्या? स्टार जैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ है वो? मुझे लग रहा है शिकार पे गए हैं वो. शिकार पे? हाँ, चोरी करने गए, कहीं पे कुछ करने गए होंगे. So, I am playing Rajneesh Duggal. मतलब I am playing Rajiv. अमृता का एक हस्बैंड, एक हस्बैंड. हाँ, एक ही है अभी तक, एक है, आगे कुछ भी हो सकता है. एंड ये बहुत ही शांत स्वभाव का है. ये अमृता के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान तक दे सकता है. एंड they've been trying to have a kid पिछले 7 सालों से. और फिर कुछ इनके लाइफ में ऐसा होता है जो जो आपको देख के पता चलेगा. बहुत कुछ तो अमृता ने बताया भी है, बहुत कुछ एमसी ने भी आपको बताया है. एंड राजीव ओवरऑल इज़ अ वेरी डेडिकेटेड हस्बैंड. ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड सन. और इसमें बेसिकली एक अमृता इसकी एक बैकबोन है, इसकी बैकबोन है. और अमृता के सहारे ही ये सब कुछ करता है. हिज बिजनेस हैज़ ग्रोन बिकॉज ऑफ अमृता. इसकी ज़िंदगी में खुशी है अमृता की वजह से. सो सब कुछ जो इसकी ज़िंदगी में इस समय हो रहा है वो सब कुछ अमृता की वजह से हो रहा है. एंड इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ और बताऊँगा तो फिर वो काफ़ी कुछ लीक हो जाएगा. एंड उसके लिए आपको 22 अगस्त से 10 बजे संजोग देखना पड़ेगा. दैट्स इट. मंडे टू फ्राइडे. I believe our media representatives would have a couple of questions. We're giving straight 10 minutes for the next couple of questions. So we're all set and ready to take questions from the media.
मीडिया से थोड़े क्वेश्चन पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ. एक बहुत ही रेपिटेड और बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है जो मेरी मदर इन लॉ प्ले करती है, जिनका नाम है वैशाली ठक्कर जी, जो यहाँ पर आ चुकी हैं. सो आई वुड लाइक टू कॉल हर ऑन स्टेज एंड टॉक अबाउट द शो. थैंक यू काम्या. वेल, सबने अपने किरदार इंट्रोड्यूस किए हैं और भी किरदार हैं. आपने अभी ट्रेलर देखा तो मेरा जो किरदार है वो सरिता का है. मैं इसमें गौरी, जो काम्या गौरी का किरदार प्ले करी है, उसकी मदर इन लॉ का किरदार प्ले कर रही हूँ, सरिता. और सरिता एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी औरत है. रोज़ का रोज़ खाओ, मज़े करो, लाइफ इज़ कूल. चोरी करना उसका पेशा है और शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन विथ इट. उसको ज़रा भी मतलब उस इस बात का बिल्कुल गिल्ट नहीं है कि वो लोग चोरी करते हैं, बिकॉज आप लोग जैसे जर्नलिस्ट है वैसे वो चोर है. इट्स दैट सिंपल. तो काफ़ी सिंपल है उनकी लाइफ. चोरी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं. अब होता ये है कि भाई वो ये जो माँ बेटे हैं वो गौरी के सपनों के साथ कहीं उनकी उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है और उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है. तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, चोरों के भी होंगे जो आप देखिएगा. फ्रॉम 22nd August, मंडे टू फ्राइडे, 9 PM, 10 PM. ऑल राइट. वेयर वी ऑल्सो हैव मिस्टर राजा धैया हु इज प्लेइंग गोपाल. तो सर मैं रिक्वेस्ट करती हूं. सॉरी 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 रियली सॉरी, आई एम लिल लेट. कुछ चल रहा था बीच में, किसी चीज का तो ओपनिंग था. So the route was stuck. So, sorry. What's up? In about it. So, Rajat, we'd love if you can introduce your character quickly to the media. So I play Gopal. Gopal is fun-loving. बहुत simple है. बहुत कमाल का आदमी है. मतलब daredevil type है. जो कहता है करता है. Man of lot of words. And apart from that, is in lot of love with his wife, his family, his daughter. And apart from that, he has lot of layers, being that simple and yet, like, he opens up dheere 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 dheere. So it's very interesting at a level where he unfolds. And that's going to be the thing to watch for. So that's how Gopal is. Perfect, Rajat. Thank you so very much. I request everyone to please stay back. As I was saying, we have 10 minutes, and in case if our media representatives have any question, we are... Sonia, can we also have you forward? Thank you, ma'am. So I play Rakshita. I'm Amrita's best friend, or she's smart, she's fun, and unki dosti bahut gehri hai. Aur baki Rakshita is a huge surprise, to main zyada kuch bol nahi paungi uske bare mein. So yeah, thank you. Yeah. Hi everyone. I'm Amit Bhatia from ABP News. मेरा नाम अमित भाटिया है, मैं एबीपी न्यूज़ दिल्ली से. प्रोमो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग और लग रहा है कुछ अलग होगा और काम्या बड़ी खतरनाक लग रही हैं. रजनीश, मेरा सवाल आपसे है कि मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आपने अब तक ज्यादा प्ले किए हैं, सो इट्स डेब्यू फॉर यू. अगर डेली सोप की बात करें तो कितना डिफरेंट होता है बहुओं के बीच में काम करना और तैयारी कितनी अलग होती है, क्योंकि वहां तो पूरा फोकस प्रभु पे रहता है बट यहाँ ऐसा हो नहीं पाता. जी मैंने हाँ पहले माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल प्ले किया है. मैंने डेली कभी नहीं किया है सोप. आई हैव डन फिल्म्स, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ OTT, बट ये मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. एक बहुत ही अमेजिंग कहानी थी, कहानी है संजोग की. मुझे जब किरदार सुनाया गया तो आई एक्चुअली लाइक्ड इट, बिकॉज इसकी बहुत लेयर्स हैं एंड हर किरदार की एक अपनी कहानी चल रही है. इवन दो मतलब दे ऑल इंटरट्वाइंड. एक डेली का ऑब्वियसली एक कमिटमेंट अलग होता है जो मेरे लिए भी नया है. एक टेकिंग अलग होती है थोड़ी, एक्टिंग वही है लेकिन आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे सेट पे सीखने को मिल रही हैं अभी.
एंड इट्स ग्रेट बिकॉज आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम डूइंग इट. मुझे मज़ा आ रहा है करते हुए बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपका मतलब वी नो अबाउट इट बिकॉज वी शॉट अलॉट, बट वो वहाँ पे स्टेज आपके डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी यू नो टेकिंग में थोड़ा फ़र्क होता है. तो आई एम गेटिंग यूज टू इट एंड बाकी कमिटमेंट टचवुड में मुझे कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं थी. आई एम यूज टू वर्किंग लॉन्ग आवर्स, आई एम यूज टू वर्किंग नॉन स्टॉप. आई थिंक आई एम हैविंग फन. तो आई होप कि लोगों को पब्लिक को ये देख कर भी बहुत मज़ा आए एंड वी रियली होप दैट सबको संजोग बहुत पसंद आए और संजोग में राजीव भी बहुत पसंद आए. थैंक यू. हेलो, आई'd लाइक टू कॉल डॉली जी ऑन स्टेज. डॉली जी इज प्लेइंग माय मदर एंड मैं इधर आ जाऊँ. सो मैं इधर आ जाता हूँ. सो दिस इज Okay, Ranjini. Good afternoon to all of you. Namaskar. Amit. Yes, इस शो में संजोग में जो मेरा कैरेक्टर है वो है राजीव की मदर का, राजेश्वरी कोठारी. और ये एक स्ट्रॉन्ग लेडी है जो कि जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में है उसकी जो मान मर्यादा है उसे कायम रखना, उसका जो रुतबा है सोसाइटी में उसको कायम रखना, इनकी जो परंपराएं हैं उनको कायम रखना. और उसके लिए वो किसी हद तक भी लड़ सकती है. सो आई थिंक दैट शुड सम अप. आई डोंट वांट टू रिवील मोर एंड इट्स सच अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस शो एंड डेफिनेटली फॉर रश्मि मैम बिकॉज काफ़ी समय से संजोग नहीं बन रहा था लेकिन इस बारी बन गया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड आई एम रियली रियली होपिंग वी हैव सच अ ग्रेट